यू कैन स्टार्ट सर, एक वन मिनट. ओके ओके. यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. हाउ आर यू बेटा? हम पढ़ रहे थे लेसन मेरी संकी और लेखिका है मृदुला गर्ग. जैसे कि हमने पढ़ा कि लेखिका के साथ जो है किन किन औरतों का साथ रहा है बचपन से अब तक, तो उनका जो है उन्होंने वर्णन किया है इस चैप्टर में मेरे संग की औरतें. तो लेखिका की नानी और लेखिका की जो है माँ के बारे में हम पढ़ रहे थे. लेखिका की नानी के बारे में हम जो है पढ़ चुके हैं बच्चों. तो माँ के बारे में जैसा कि बताया है कि वो किस प्रकार की थी, माँ की जो है हमने देखी है नजाकत थी उसके अंदर, खूबसूरती थी, ईमानदारी थी, निष्पक्षता थी. तो अब आज जो है पेज नंबर 16 ओपन करेंगे आप. पेज नंबर 16 बेटा. मैंने अपनी दी से को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है. यानी कि मेरी माँ जो है वो इतनी सॉफ्ट थी, इतनी कोमल थी कि वो काम कर ही नहीं सकती थी. उसको देखकर जो है मेरी दादी भी कहती थी कि हमारे पास जो है काम करने वाले हैं बहुत सारे आदमी, हम उनसे करवा लेंगे लेकिन हम जो है इससे नहीं करवाएंगे. यहाँ हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है. बैल यहाँ जो है घर में जो काम करते हैं उनका प्रतीक है. और हम हाथी पे यानी कि जो काम कर ही नहीं सकता, वो हल जो है हाथी चला ही नहीं सकता. तो इसलिए यहाँ ऐसा कहा गया है क्योंकि लेखिका की माँ पर, माँ से जो है काम हो ही नहीं सकता था घर का, तो इसलिए उनसे नहीं करवाया जाता था. बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था कि जो ये मामला था, बचपन में ही मुझे समझ में आ गया था जब मैंने देखा कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते हैं, कि मुझे ये जो समस्या थी ये बचपन में ही समझ आ गई थी कि मेरी माँ जो है वो काम नहीं करती थी. और बाकी जो है जैसे हमारे बचपन में सब हमारा जो परवरिश में जो है सभी जो है व्यस्त रहते थे, मुस्तैद रहते थे. मुस्तैद होता है बच्चों तैयार. दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी. ये मेरी दी और जो दादी की देवरानी जेठानियां थी वो भी हमारी परवरिश में जो है बिजी रहती थी, व्यस्त रहती थी. लेकिन मेरे पिता भी, ये नहीं सिर्फ औरतें ही हमारी परवरिश में, हम बच्चों की परवरिश में, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो हमारी परवरिश का काम भी नहीं संभाल पाती थी. तो मेरे पिता भी जो है इसमें काफी हेल्प करते थे, काफी सहायता करते थे. पर ठोस कदम काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था. भाई इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी माँ यदि कोई ज्यादा भारी भरकम काम नहीं कर सकती थी तो उसके अंदर आजादी का जुनून ही नहीं था. वह आजादी का जुनून भरपूर था, उसके अंदर आजादी की जो लालसा थी वो कूद कूद कर भरी हुई थी. अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती थी और अपने तरीके से आजादी के जुनून को वो निभाती भी थी. जाहिर है तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए. यानी कि यदि जुनून ही सवार है आजादी का, यदि आजादी का पागलपन ही सवार है तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए. यानी कि वो किसी की कोई परवाह नहीं करती थी, जिस तस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से जो है वो काम करती थी. किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों हम? लेखिका मृदुला गर्ग की माँ के बारे में, कि वो किस प्रकार आजादी के आंदोलन में अपना जो है समय देती थी, या उसका इंटरेस्ट था, उसकी रुचि थी और किस प्रकार वो उसे निभाती थी. हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, कि जैसे भारतीय माँ होती है हमने कभी अपनी माँ को ऐसा नहीं पाया. न उन्होंने कभी हमें लाड प्यार किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी. कि जैसे एक माँ बेटी को सीख देती है कि अच्छी पत्नी कैसे है बनना है, अच्छी बहू कैसे बनना है, ना उन्होंने हमारे
कभी खाना पकाया और ना ही हमें वो लाड प्यार दिया। यानी कि भारतीय माँ की जो है कोई भी क्वालिटी मेरी माँ के अंदर नहीं थी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, बीमार रहती थी इसलिए वो घर बार नहीं संभाल पाती थी। पर इसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का भी था। भी बीमार तो चलो चल जाता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं था बच्चों को पालने पोसने में, या एक मतलब अपने बच्चों को खाना पकाकर देने में उनकी अरुचि थी इन सभी कामों में। उनका जो ज्यादा समय स्पेंड होता था, बीतता था, वो किस में बीतता था, किताबें पढ़ने में स्पेंड करती थी वो अपना ज्यादातर समय। बाकी जो वक्त है वो साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। यानी कि मेरी माँ का जो समय बीतता था उसे घर के काम से, बच्चों के पालन पोषण से कोई लेना देना नहीं था। उनका ज्यादातर जो समय बीतता था वो बीतता था किताबें पढ़ने में, साहित्य चर्चा करने में, संगीत सुनने में, और ये काम वो बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नाम न धरते थे, यानी कि उन्हें कुछ भी नहीं कहते थे। वो अपनी मर्जी से चाहे कुछ करे या ना करे। जितने भी हमारे दादा दादी या जो भी थे कजन जो है ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, कोई भी मेरी माँ को किसी भी प्रकार से नहीं सताता था, कुछ भी नहीं कहता था, चाहे मेरी माँ जो है कोई भी काम नहीं करती थी। न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे कि भाई जैसे एक आम औरत सारा घर का काम संभालती है, वैसे अपेक्षा भी नहीं रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी जबकि वह पत्नी माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। भाई सबकी मेरी माँ के में इतनी श्रद्धा थी कि कोई भी उसे कुछ नहीं कहता था, हालांकि वह एक पत्नी और माँ और बहू के किसी भी कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से नहीं करती थी। पहली क्या है, सहाबी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। पहला क्या था कारण कि वो सहाबी खानदान से थी। दूसरा, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, वे एक को गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं करती थी। तो परिवार वाले क्यों सम्मान करते थे मेरी माँ का, एक तो सहाबी खानदान से थी, दूसरा वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और तीसरा जो है एक की गोपनीय बात को वो दूसरे को नहीं बताती थी। पहले के कारण उन्होंने घर वालों का आदर मिला हुआ था क्योंकि वो सहाबी खानदान से थी। मेरे नाना जी जो थे वो अंग्रेजों के फरमबदार थे, साहब थे वो, तो इस कारण जो है सभी उनका सम्मान करते थे। और दूसरे कारण बाहर वालों की दोस्ती, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती थी, दूसरों की बात एक दूसरे को नहीं बताती थी, इसलिए बाहर वाले उनका सम्मान करते थे। घर वाले क्यों करते थे, क्योंकि वो सहाबी खानदान से थी, और बाहर वाले क्यों करते थे, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती थी और एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। क्या कहती है मृदुला गर्ग जी कि मेरी माँ जो है हमारी दोस्त की तरह थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बहुत अच्छी तरह से निभाते थे, क्योंकि माँ ने तो कभी हमारा पालन पोषण किया नहीं, लेकिन एज ए फ्रेंड वो हमारे साथ रहती थी, एक मित्र की तरह वो हमारे साथ व्यवहार करती थी। लेकिन जो माँ की जो भी जिम्मेदारियां है वो किसने निभाई, मेरे पिता ने। जो माँ की भूमिका अदा की वो मृदुला गर्ग जी के पिताजी ने की। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। यानी कि हमारे घर में सबको इतनी आजादी थी कि कोई किसी प्रकार की रोका टोकी नहीं करता था। सब अपनी सबका अपना लाइफ स्टाइल था, सब अपने हिसाब से जो है जिंदगी जीते थे, किसी पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। तो कहती है बचपन में मुझे याद है कि मेरे घर में अगर किसी की चिट्ठी आ जाती थी तो कोई उससे ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन को दूसरी के नाम क्यों न हो।
वही जैसे हम बहने थी, मृदुला गर्ग जी कहती है, तो एक बहन की दूसरी बहन के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं, छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी, इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। तो देखिए बेटा क्या बताया है लेखिका मृदुला गर्ग ने कि हम 6 भाई बहन थे और मेरे दादा दादी जी थे, और लेकिन हर व्यक्ति को अपना निजत्व, जरूरी नहीं है कि अपनी जो भी बातें थी निजी बातें थी वो किसी को बताएं, इसी निजत्व का जो फायदा उठाकर क्या है कि हम 3 बहनें और छोटा भाई जो है हम साहित्य रचना के हवाले हो गए, क्योंकि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था, हमने अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो है अपना कैरियर चूज किया। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर हम अपनी एक परदादी भी थी। भाई लीक से खिसके का मतलब है परंपराओं से हटकर, जो हमारी प्राचीन परंपराएं बनी हुई हैं उनसे हटकर, मेरे पूर्वजों में सिर्फ मेरी माँ और नानी ही नहीं, मेरी परदादी भी थी, उन्हें जो है हम लाइन से बाहर, उन्हें जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, कतार से बाहर चलने का मतलब परंपराओं से हटकर जो है काम करने का शौक था, लीक से हटकर काम करने का उनको शौक था, मतलब जो बंधी बंधाई परंपराएं है उनके अनुसार तो मेरी परदादी काम करती ही नहीं थी। यहाँ बेटा हम लेखिका की नानी के बारे में पढ़ चुके हैं, लेखिका की माँ के बारे में पढ़ चुके हैं, अब आती है उनकी परदादी लेखिका मृदुला गर्ग जी की। तो वो कहती है कि जो मेरी परदादी थी वो हमेशा लीक से हटकर जो है काम करती थी, उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वो तीसरी को दान कर देंगी। फजल क्या होता है बेटा, यहाँ दया। तो मेरी जो परदादी है उनका ये विचार था कि यदि उनके पास 2 से ज्यादा धोतियां हो जाती थी तो वो तीसरी धोती को दान कर देती थी। जैन समाज में अप्रिय ग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, यानी कि जैन धर्म में क्या है, अनुग्रह अप्रिय ग्रह होता है बेटा, संग्रह न करना, सारी जो है चीजों को भविष्य के लिए इकट्ठा न करना वो कहलाता है अप्रिय ग्रह। फजल बताया मैंने, दया, फजल क्या होता है, दया, अनुग्रह जिसको बोलते हैं हम, अप्रिय ग्रह होता है बेटा बहुत सारी चीजों का संग्रह न करना। तो जैन धर्म में क्या माना जाता है, जैन समाज में अप्रिय ग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, यदि बिरादरी के बाहर जाकर हम अप्रिय ग्रह दिखाते हैं तो कोई उसे शंका की दृष्टि से नहीं देखता। इसके बाद अप्रिय ग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। भाई बिरादरी के बाहर तो सब जो है उसे मानते थे मेरी परदादी को, लेकिन उनका सबसे अच्छा जो रूप था तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यानी कि देखिए लीक से हटकर किस प्रकार मेरी परदादी उस समय जो है लड़के पैदा होना, सब लड़का पैदा होना अच्छा मानते थे, सब जो है मंदिरों में जाकर जो है भगवान के सामने प्रार्थना करते थे कि लड़का पैदा होना चाहिए हमारे घर, लेकिन जो मेरी परदादी है वो बिल्कुल लीक से हटकर काम करती है। उन्होंने कहा कि मेरी पोते की बहू, पतोहू क्या होती है, पोते की बहू को जो पहली संतान हो वो लड़की होनी चाहिए, ये हुआ ना लीक से हटकर काम करना उनका। तो क्या है लेखिका की परदा
दादी ने क्या कहा कि मेरी पतोहू को पहला जो बच्चा है वो लड़की होनी चाहिए। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चयन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोषिता रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। यूही भगवान से मांगा पहली लड़की, पहला बच्चा लड़की। उसने ये बात सिर्फ अपने और भगवान तक ही सीमित नहीं रखी, बल्कि खुलेआम ऐलान कर दिया कि मैं भगवान से ये मांग कर आई हूँ कि मेरी पतोहू का पहला बच्चा लड़की होना चाहिए। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। जब लोगों ने परदादी की इस मन्नत को सुना तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर का कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। भाई उनके दिमाग में क्या फितूर भरा हुआ है, क्या चाहती है वो, क्या वजह है इसकी, इसका कोई जवाब नहीं था। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई हो इसलिए मेरी परदादी ने कन्या मांगी है, ऐसा भी नहीं था। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी कि भाई हमारे खानदान में कोई लड़की ही ना हो और वो कन्यादान करना चाहती हूँ इसलिए उसने लड़की मांगी हो, ऐसा भी नहीं था। क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी, यानी कि हमारे घर में हर पीढ़ी में लड़कियां थी। ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने इसलिए लड़की मांगी ताकि जो है वो कन्यादान कर सके, क्योंकि हमारे तो हर पीढ़ी में लड़की थी। अब उनके उनका जो ये भगवान से जो है पहला बच्चा लड़की मांगना समझ ही नहीं आ रहा था। जब लोगों ने ये सुना कि भाई जो परदादी है उन्होंने ये जो है मन्नत मांगी है भगवान से, तो लोगों के मुंह जो है खुले के खुले रह गए। उनकी जो है माँ बेचारी जो है ये भी नहीं कह सकते थे कि परदादी जो है कन्यादान करना चाहती, क्योंकि हमारी तो हर पीढ़ी में लड़की थी। क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था, लेकिन जो हमारा खानदान था उसमें हर बहू का जो पहला बच्चा था वो बेटा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। बदस्तूर मींस नियम से, डेली। बदस्तूर का मतलब है बेटा नियम से, प्रतिदिन। माँ मेरी परदादी ने जब लोग कह रहे थे तो उनकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं नियम से प्रतिदिन जो है भगवान से ये मन्नत मांगूंगी। खैर, पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी की नुक्कड़ गांव जानता था मींस आसपास का पड़ोस और पूरा गांव जानता था कि मेरी माँ जी जो भी भगवान से मांगती है वो उन्हें दे देती है, कि माँ जी के भगवान के साथ साथ सीधे तार जुड़े हुए हैं, यानी कि बेतार का तार जो है माँ जी का जुड़ा हुआ है किसके साथ है, भगवान के साथ। इधर वह तार खींचती उधर टन से तथास्तु बसता। तथास्तु का मतलब है बेटा जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। जैसे आप सीरियल्स वगैरह में देखते हैं तो हमें भगवान जी जैसे हाथ सीधा करके आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु मतलब जो आपने मांगा है वैसा ही हो। तो उन बेतार के तारों से ही जैसे ही प्रदादी जो है भगवान से मन्नत मांगती और भगवान जो है इधर बेतार का तार खींचकर उन्हें तथास्तु कह देते कि ऐसा ही होगा। मेरी दादी तो पहली मर्तबा पहली बार में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती खेलेगी, पर माँ जी को जो है आरजू किस कदर रंग लाएगी इसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। कि मेरी परदादी ये चाहती थी कि पहला बच्चा जो है लड़की ही होना चाहिए, लेकिन जो माँ की आरजू है वो किस कदर रंग लाएगी ये इसका पता मेरी परदादी को नहीं था। लड़की की गैर मौजूदगी
जुस्त जू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी पांच कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। यानी कि मेरी परदादी का आशीर्वाद जो है भगवान पर इतना बरसा, इतना फला फूला कि हम लगातार पांच बहने पैदा हुई। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। कहते हैं जब परदादी ने आशीर्वाद मांगा तो भगवान तो अफरा तफरी में आ ही जाते हैं, बल्कि मेरी परदादी के सामने तो चोर भी जो है अफरा तफरी में आ जाते हैं। चोर को भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या न करूं। अफरा तफरी का मतलब है जब समझ ना आए कि क्या करे क्या न करे, जिसको किंग कर्तव्य विमूढ भी बोलते हैं हम, जब समझ ना आए। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। अभी तक बेटा आपने सुना लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी जो है भगवान से किस प्रकार उसके तार मिले हुए थे और जो मांगती थी भगवान उन्हें दे देते थे। सबको पता था गांव और नुक्कड़ को कि परदादी जो भी भगवान से मांगती है भगवान उनकी मन्नत पूरी करते हैं। दूसरा किस्सा जो है परदादी का बता रही है, एक चोर का और परदादी का किस्सा कि किस प्रकार जो है वो चोर के जो है मेंटेलिटी को बदल देती है, उसकी मानसिकता को जो है बिल्कुल चेंज कर देती है। तो ये देखिए हुआ यूं था कि शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रथ जगह मना रही थी, रथ जगह में रात को जाग रही थी, गीत वगैरह गा रही थी, नाच रही थी और ढोलक की थाप के शोर से में नामी चोर कब जो है सेंध लगाकर हवेली में घुस गया किसी को खबर नहीं लगी। मतलब शादी का माहौल था हवेली में और चोर जो है सेंध लगाकर मीन्स दीवार फाड़ कर जो है दीवार तोड़कर घर के अंदर हवेली के अंदर घुस गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला क्योंकि सभी जो है शादी का माहौल था, नाच गाने में व्यस्त थे। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में वह घुसा उसमें ही जो है परदादी जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़कर उस दिन दूसरे कमरे में सो गई थी। वैसे तो चोर को पता था कि ये परदादी का कमरा है, लेकिन उस दिन क्या था कि ढोलक वगैरह की थाप के कारण परदादी के कमरे में शोर आ रहा था, इसलिए वह जो है साथ वाले कमरे में सो गई थी शोर से बचने के लिए। और चोर ने भी कौन से कमरे में प्रवेश किया, जहां पर परदादी सो रही थी उसी कमरे में उसने प्रवेश किया। तो चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था, भाई पूरी ज्योग्राफी उसने बना ली थी कि किस कमरे से मैंने एंट्री करनी है और कहां तक जाना है। उसे पता था कि किस कमरे में परदादी सोती है। वो अपनी तरह से तमाम कोशिशें करके गया था, लेकिन दादी जी ने कमरा बदल लिया था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। यानी कि परदादी की नींद जैसे ही चोर ने घर में एंट्री की वैसे ही परदादी की नींद खुल गई। कौन, माँ जी ने इत्मीनान से पूछा और मेरी परदादी ने पूछा इत्मीनान से कि कौन है भाई घर में, किसने एंट्री की है। जी मैं चोर, चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। यानी कि चोर भी हक्का बक्का रह गया जब माँ जी ने पूछा कि कौन है, तो चोर जो है जी मैं चोर उसके मुंह से ये निकल गया। और माँ जी ने क्या जवाब दिया, पानी पिला। माँ जी ने कहा किसको, चोर को, कि पानी पिला। जी मैं चोर झिझक कर रह गया, जी मैं चोर पानी पिलाऊं आपको। अब वो तो ठिठक कर रह गया कि कहीं बुढ़िया पागल तो नहीं है। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था, जो उसका पानी का लोटा था माँ जी का वो खाली था। ऐसा कर, माँ जी ने क्या कहा चोर को, ऐसा कर यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला।
पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। और क्या जो है आदेश देती है परदादी चोर को कि मैं तेरे को ये लोटा दे रही हूँ, इसके ऊपर जो कपड़ा है वो अच्छे से बांधियो और अच्छे से जो है पानी तरीके से आपने छान कर लाना है। कौन पानी मंगवाती है बेटा? लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी पानी मंगवाती है किससे? चोर से। चोर तो घबरा गया बेचारा, अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उसका तार जुड़े रहने की खबर उसे थी, यानी कि चोर को भी पता था कि इस बुढ़िया के तार भगवान से सीधे मिले हुए हैं। भगवान जो है इसको सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, सारी सूचना इसके पास पहले ही आ जाती है। तो चोर जो है घबरा गया, भाई बुढ़िया को कैसे पता चला कि मैंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है? पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा, जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा बड़ी प्यास लगी है। तो जैसे ही चोर सोच रहा था कि भाई सच में ही इस बुढ़िया के तो तार भगवान जी से मिले हुए हैं, जो ये बिना देखे ही जो है सारा कुछ बता रही है, तो कहती है बेचारा वो पजल हो जाता है चोर, और कहती है उसको जब वो ये सोच रहा होता है तो परदादी कहती है जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा बड़ी प्यास लगी है पर मैं तो चोर हूँ। चोर फिर घबरा गया, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया कि भाई मैं तो चोर हूँ, मैं आपके लिए पानी कैसे ला सकता हूँ। हुआ करे, माँ जी ने कहा भाई होगा चोर, होगा तो होगा, प्यासे को पानी तो पिला दे, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। कौन कहती है? माँ जी कहती है तो चोर है तो है, पर मुझे पानी तो पिला, मेरा धर्म भ्रष्ट मत करना, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो। भाई लोटे के मुंह पर जो मैंने छानने के लिए पानी छानने के लिए कपड़ा बांधा हुआ है उसको हटाना मत, हाथ रगड़कर धो लेना और पानी कपड़े से छान कर भरना। तो क्या सजेस्ट करती है परदादी चोर को कि जो मैंने लोटे में के मुंह पर कपड़ा बांध रखा है उसे मत हटाना, हाथ रगड़कर धोना पहले और फिर मेरा लोटा जो है कपड़े में से पानी छान कर भरना। आप चोर के हाथ का पी लेंगी? तो चोर क्या कहता है परदादी को कि मैं एक चोर हूं, क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी दादी माँ? तो कहा ना रगड़ कर धो लीजो, जब मैंने कह दिया कि तेरे को, चोर को कहती है दादी माँ कि रगड़ कर अपने हाथ धो लेना, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? तो दादी माँ क्या कहती है कि सब जो है नाच गाने में व्यस्त है, तेरे और भगवान के सिवा यहाँ मेरे पास कौन है जो मुझे पानी पिलाएगा? भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसे अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। जब दादी माँ ने ये बात बताई कि मेरे पास तो सिर्फ भगवान है और तुम हो, तो जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया कि मेरे पास भगवान है, चोर जो है घबरा गया और भी ज्यादा, और वो लोटा उठाकर चल गया कहां पर? पानी लेने के लिए। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा, और जब पानी लेकर आ रहा था तो जो पहरेदार था घर पर, तो उसने जो है उसे पकड़ लिया। किसको? चोर को। और क्योंकि उसने कुएं पर देख लिया था चोर को, तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया। तो माँ जी ने क्या किया कि लोटे का आधा जो पानी है वो खुद पिया और बाकी जो है चोर को पिला दिया, और कहा एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटा हो गए, अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती कर, कि यदि तू मेरा बेटा बन गया है, क्योंकि हम दोनों ने एक लोटे से पानी पी लिया है, तो इसलिए तू चोर नहीं है, अब मेरा बेटा बन गया है, तो बेटा अब चाहे तू खेती कर या चोरी कर, अब कहलाएगा तो मेरा ही बेटा। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। अब जो था चोरी का काम जो है उसने छोड़ दिया और खेती करने में वो लग गया। सालों साल लगा रहा, जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा।
अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। कौन दो सनकी बुढ़िया का के बारे में बता रही है लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी और परदादी के बारे में। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी और दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी रही। तो मृदुला गर्ग कहती है कि भले ही मेरी परदादी और मेरी नानी का साथ मुझे नहीं मिला, लेकिन उनके जो बिहेव जो असर है वो मेरे ऊपर जरूर पड़ा है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कभी मेरी परदादी के अंदर जो हीन भावना नहीं थी लड़कियों को लेकर, वो हीन भावना जिंदगी में मेरे को भी महसूस नहीं हुई। और दूसरा, जो आजादी के आंदोलन में जो भाग ना लेते हुए भी इंटरेस्ट थी, रुचि थी मेरी रानी जी की, वो असर भी मुझ में आया हुआ था। तो मृदुला गर्ग पर अभी तक कौन कौन जिनका हमने प्रभाव पड़ा है बेटा, सबसे पहले उनकी नानी, फिर उनकी माँ और फिर परदादी के बारे में, तीन औरतों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अब आप अगर किसी के भी कोई भी डाउट है तो आप जो है अपने डाउट्स ले सकते हैं। थैंक्स बच्चों।